हम कुछ नहीं पहनते, चड्डी पहनाते हैं हमें, कपड़ा वगैरह भी नहीं पहनते, बिना बटन लगाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, चड्डी नहीं पहन पाते, नहीं पहन पाते, दूसरे आदमी पहनाते। तो जैसा कि गाइस देख सकते हैं, जो हम आ चुके हैं यहाँ इस गांव में देवगढ़, तो यहाँ काफ़ी लोग जो कि ऐसे हैं कि अपनी वो ज़िंदगी और मौत के सिस्टम में जी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं लोग। और कई लोग तो ऐसे हैं जो आंखों से नहीं दिख रहा है, मतलब उनकी ज़िंदगी ख़राब है, कुल मिला के जो बच्चा है वो उस बच्चा है उसकी आंखें चली गई, आपने देखा होगा वीडियो में। और जो अंकल जी हैं इनको आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, और जो शरीर है शरीर भी चार पांच जगह से उनका जो कि है विकलांग है, काफ़ी पैसा खर्च कर चुके हैं जी, कोई अभी तक आराम इनको नहीं मिल रहा है। तो बालाजी सरकार से यही प्रार्थना है हमारी प्रभु के, ऐसे लोग गरीब लोगों पर दया दृष्टि अपनी जरूर बना रखें। माता जी आप हमें ये बताओ कितने दिन से अंकल जी हो गए हैं परेशान? फिलहाल 3-4 साल से हैं, उनको बिल्कुल परेशानी है, कछु कहीं नहीं पाते। अच्छा, कितने हाँ। साल से? 4-5 साल से, 5-8-9 साल हैं वो लोग जब से कछु ऐसे ही बैठे। तो कुछ कर नहीं पाते हैं, कछु भी नहीं कर पाओ, अभी धक्का है कछु काम नहीं, परेशानी चल रही थी। तो ये 4-5 साल से जो कि है कि ना आंखों से दिखना भी कम हो गया है और शरीर भी दिक्कत होती है हमें, हम कुछ नहीं पहनते, चड्डी पहनाते हैं हमें, कपड़ा वगैरह भी नहीं पहनते, बिना बटन लगाते हम कुछ नहीं कर पाते, चड्डी नहीं पहन पाते, नहीं पहन पाते, दूसरे आदमी पहनाते। आते हो तो माता जी यही सब पराते हैं हमें, कपड़ा वगैरह हम पहरा बिन के कपड़ा हम धो सब का छुपाते ही, इतने परेशानी। तो कितना करीब करीब पैसा आप लगा चुके हैं? लगा 5-6 लाख रुपया लगा रहा है हमने, तो अब परेशान होगा सब पेड़ गए। अच्छा, 5-6 लाख रुपए जो लगा करके घर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अब इतना बजट नहीं रहा इनके पास कि जी आगे भी पैसा इतना लगा सके। तो अभी कहाँ इलाज कराए थे आप? अभी तो कछुका की बात है कि पैसा आ रहा है अब तो। झांसी ग्वालियर, झांसी ग्वालियर से आप 8-9 साल से कोई इलाज ले रहे थे, ले थे। तो अभी बंद कितने दिनों से कर दिया? अब तो अब पैसे नहीं जाते, अब परेशान है, सो हमने बंद कर दो, गोली खा खा के का करें। यही बात सही है, तो आज भी गोली खा रहे हैं आप? नहीं अब नहीं, तो बंद कर देंगे अब गोली, तो बंद कर देंगे अब, एक बार दिखा दिखा के परेशानी हो गए तो अब बंद कर देंगे, अब क्या करें, पैसा इतना के है लगाया जाए हैं, अब जहाँ तक पैसा आते सो दिखा रहा खवा रहा कितने महीना, तो कितनी जगह जमीन सब बेच दी, जमीन भी थी आपके पास कितनी थी? आधी थोड़ी है, 3-4 बीघा वो भी बेच दी। तो जैसा कि गाइस जो ज़मीन भी थी इनकी भैया की वो भी इसी इलाज में जो है कि बिक गई है, लेकिन ज़मीन बेचने के बाद भी फिर भी इन्हें कोई जो आराम नहीं मिला है, आप भी देख सकते हैं। तो इतने परेशान हैं और इतने दुखी हैं, इनकी दुखी आप समझ रहे होंगे। तो कब बेच दी आपने? हमने जब ही इलाज यही में बेच दी, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से आप हाँ। क्या नाम है आपका भैया? दल सिंह प्रजापति। काफ़ी दिन से जो कि हैं जो परेशान हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो विकलांग सर्टिफिकेट है वो बना है? नहीं बना, हम ग्वालियर हुआ है और 10,000 रुपया लगा दें, नहीं बना है, रुपया मांग रहे थे, रुपया थे नहीं हमारे पास, हाँ 10,000 रुपया मांग रहे थे, तो हमने हाँ तो पैसे नहीं थे हमारे पास, तो हमने नहीं अपने व्यवस्था नहीं देते। तो आप आपको जो कैंसिल वगैरह नहीं मिल रही? कुछ नहीं मिलता है। अच्छा। नहीं कुछ भी नहीं मिलती, सरकार की तरफ से पेंसिल भी नहीं मिल रही है ना,
और दूसरी बात, कैंप लगा तो डबरा कैंप लगा तो हम गए थे, तो वो तो अभी कोई सुनाई नहीं भाई। अच्छा। हाँ, पर कह के ग्वालियर जाओ, तो ग्वालियर गए तो कोई हम चार छः तस्वीर हुआ है मगर कोई सुनाई नहीं भाई। कैंप वालों से आपने बोला कि? अच्छा। कैंप वाले कल गए तुम ग्वालियर जाना, उनने कोई ना कौन सी अस्पताल का नंबर दिया था, वो तो गए तो वो कल रुपया लगे 10,000। हाँ, तो फिर वापसी हुआ है। देखो भाई बहनों, 10,000 रुपये मांग रहे हैं इनसे, गरीब आदमी है, गरीब आदमी कहाँ से 10,000 रुपये दे सकता है, उस पर 10 रुपये इलाज के लिए नहीं जुड़ रहे, 10,000 कहाँ से देगा तो मैं बताओ। और इतनी ज़्यादा स्थिति ख़राब है, फिर भी लोगों को दया नहीं आ रही। लेकिन जो भी सरकारी हॉस्पिटल होते हैं और जो भी सिस्टम सरकार के होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री सर्टिफिकेट, विकलांग सर्टिफिकेट, रिक्शा साइकिल जो भी है सरकार की तरफ से ही इन्हें मिलती है, फ्री मिलती है। लेकिन एक जगह बैठे रहते, बस टट्टी पे जाए तो कहीं नहीं जाते हैं घर से। अब चल नहीं, फिर बात है कहाँ जाएंगे, कि जाएगा तो कोई हमें साथ में लवा जाएगा तो हम साथ में जाते हैं काव के सहारे से, न तो घर बैठे रहते हैं। वैसे आप अकेले नहीं चल पाते हैं, सहारा चाहिए मुझे एक। अब लकड़ी से थोड़े बहुत चलते हैं, लटिया से थोड़ी बहुत चल जाते हैं, टट्टी मट्टी हुआते थे। तो जैसा कि देख सकते हैं, आज लोगों को ऐसा लगता है कि आज के टाइम में पत्नियां सेवा नहीं करती हैं पति की। देखिए आप, राम और सीता जैसी जोड़ी यह कि इनकी जो है बनी हुई है, और आंटी जी हैं जो मुसीबत में अंकल जी का साथ दे रही हैं। यही तो पतिव्रता धर्म की यहाँ परीक्षा होती है। आप भी देख सकते हैं, 5-6 साल से अंकल जी जो कि हैं बीमार हैं, फिर भी आंटी जी कंधे से कंधे मिलाकर इनका जो अंकल जी का साथ दे रही हैं। फिलहाल देख सकते हैं, लोग कहते हैं के औरत जात ऐसी होती है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, 100 में 100% औरतें ऐसी नहीं होती हैं। आप भी देख सकते हैं, फिलहाल देखिए, इसे कहते हैं पतिव्रता धर्म। माता जी तो आप चिंता मत करिए, दुखी मत होइए, हम इनकी मदद करेंगे, बहुत ही जल्द इनकी मदद करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बस भाइयों बहनों, आप भी देख सकते हैं आज के लिए इतना ही, बस मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।